दिवाली पर मेहतवास निवासी बंटी पिता कमल की हत्या का कारण रुपयों का लेन देन बताया जा रहा है। टीआई रविंद्र बारिया के अनुसार आरोपी उमर ने अपने बयान में बताया है कि साल भर पहले बंटी ने उससे 60,000 रुपये लिए थे, मगर लौटाने में वह आनाकानी कर रहा था। बंटी ने उमर को दीपावली पर पैसे लौटाने को कहा, इसके लिए उसने उमर को घर बुलाया। उमर के घर के नल का पाइप खराब था, ऐसे में बंटी से पैसे लेने के लिए वह पाइप भी दूसरा खरीदने की सोचकर खराब पाइप लेकर ही घर से निकला था। मगर जब उमर बंटी के पास पहुंचा तो उसने फिर से समय मांग लिया। इससे नाराज उमर ने नल का पाइप बंटी के सिर पर दे मारा। हमले के बाद उमर ने बंटी को प्रकाश नगर रानी सती मंदिर के पास फेंक दिया। तब बंटी जिंदा था। सूचना पर मौके पर पहुंचे मंडी पुलिस के आरक्षक मनोहर मोहरी व ईश्वर परिहार बंटी को बाइक से संजन सेवा लेकर पहुंचे। यहां से उसे उज्जैन रेफर किया गया, लेकिन उज्जैन पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई। हमले के बाद शाम को पुलिस को आरोपी के बारे में सूचना मिली। तब सीएसपी मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में टीआई ने टीम गठित कर उमर को गिरफ्तार कर लिया। टीआई के अनुसार कोर्ट के आदेश पर उमर को 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है।